हाँ कहीं स्तुति है कहीं प्रार्थना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ दोनों चल रहे हैं। जहाँ भी स्तुति होती है, उपासना क्यों नहीं है? उपासना तो है ही, उपासना के बिना तो स्तुति प्रार्थना कर ही नहीं सकते। उपासना तो अंडरस्टूड है, उपासना एक क्रिया है जिसके अंतर्गत स्तुति और प्रार्थना दोनों काम किए जाते। उपासना का अर्थ है दोनों को कर रहे हैं तो उपासना हो रही है। उपासना तो है ही साथ साथ, जैसे हम बैठ गए आसन लगा के, हमने आंख बंद कर ली और हमने ईश्वर का चिंतन शुरू किया और मन में ये संकल्प किया कि अब हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, अन्य विचार नहीं लाएंगे, ये उपासना शुरू हो गई। ईश्वर में ही अपने मन को टिकाए रखना, तो उप आसनम ईश्वर के पास बैठना। तो स्थान की दृष्टि से तो पास 24 घंटे ही रहते हैं, उससे दूर कभी जाते नहीं, ईश्वर सर्वव्यापक है और हम और ईश्वर दोनों एक ही जगह पर हैं। तो स्थान की दृष्टि से तो 24 घंटे उपासना होती ही है, पर ज्ञान की दृष्टि से नहीं होती। हमारे मन में तो और चीज़ें घूमती रहती हैं, खाना पीना, फैशनबाजी, शॉपिंग ये और वो, दुनिया भर की बातें घूमती रहती हैं, तो हम तो उन चीज़ों की उपासना कर रहे हैं। जिस वस्तु में हमारी रुचि है, हमारा आकर्षण है, हम उसकी उपासना कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति विद्यार्थी है, पढ़ता है स्कूल में और पीरियड में इंग्लिश पढ़ रहा है और बीच बीच में वो सोच रहा है कि आज शाम को लड्डू खाएंगे, कल शाम को पिक्चर देखने जाएंगे। तो जिस समय वो लड्डू खाने की बात सोचता है, उस समय वो लड्डू की उपासना कर रहा है। जिस ओर उसका आकर्षण है, जिधर उसकी रुचि है, वो उसकी उपासना कर रहा है। और यदि मन में ईश्वर है तो ईश्वर की उपासना है। तो जब हम बैठते हैं, इस तरह से ध्यान लगाते हैं, तो उपासना तो हो गई शुरू। और अब इस उपासना में क्या करना है? दो काम करने हैं, एक स्तुति करनी है, एक प्रार्थना करनी है। तो उपासना एक क्रिया का नाम है जिसके अंतर्गत ये दो बातें की जाती है, स्तुति भी की जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। तो इसलिए तीनों साथ ही रहती है।